कोई शिक्षक चला जाए उस पर भी लाठी चार्ज, बेरोजगार बच्चे जा रहे हैं उस पर भी लाठी चार्ज, कोई सरपंच गए उन पर भी लाठी चार्ज, मुखिया जी लोग गए उन पर भी लाठी चार्ज। पटना में लाठी चार्ज करना वो नियम बन गया है। कोई जुगाड़ लगाकर मुख्यमंत्री तो हम ही को रहना है, तो हम चाहे लाठी चार्ज कराएं या लोकतंत्र में आप किसी पर ऐसे लाठी चार्ज कराइएगा तो आपको डर होगा कि आप चुनाव हारिएगा। नीतीश कुमार और ज्यादातर बिहार के नेताओं में वो डर खत्म। शिक्षक आए तो पीटे जाते हैं, अभ्यर्थी आए तो पीटे जाते हैं, मुखिया जी आए तो पीटे जाते हैं, सरपंच महोदय आए तो पीटे जाते हैं। ये एक रिवाज शुरू हो गया है बिहार के अंदर, कोई भी अगर प्रदर्शन करने आएगा तो उसको पीट दिया जाएगा। ये मैं नहीं कह रहा, ये कह रहे हैं प्रशांत किशोर। नमस्कार, मैं प्रशांत और आप देख रहे हैं द एचडी न्यूज। देखिए, प्रशांत किशोर ने आज पटना में अतिथि शिक्षकों के ऊपर हुए लाठीचार्ज को लेकर नीतीश सरकार के ऊपर जमकर हमला बोला है। हमला बोलते हुए प्रशांत किशोर ने आरोप लगाया है कि इस सरकार में ऐसी रिवाज बन गई है कि कोई भी अगर आएगा तो उसको पीट दिया जाएगा, चाहे वो अभ्यर्थी हो, चाहे वो शिक्षक हो, चाहे वो मुखिया हो, चाहे वो सरपंच हो, कोई भी हो, अगर अपनी बात को रखने के लिए आएगा तो उसके ऊपर लाठी चार्ज हो जाएगी। किस प्रकार से इस पूरे घटना की भर्त्सना कर रहे हैं प्रशांत किशोर, जरा सुनिए। पिछले कुछ समय से मैं देख रहा हूं कि पटना में लाठी चार्ज करना वो नियम बन गया है। कल लोगों पर लाठी चार्ज हुआ, ये कोई नई बात नहीं है। कोई शिक्षक चला जाए उस पर भी लाठी चार्ज, बेरोजगार बच्चे जा रहे हैं उस पर भी लाठी चार्ज, कोई सरपंच गए उन पर भी लाठी चार्ज, मुखिया जी लोग गए उन पर भी लाठी चार्ज। तो इस सरकार की एक छवि बन गई है कि पटना जब लोग जाते हैं अपनी बात को लेकर, चाहे जो भी वर्ग हो, वो रसोईया हो, आंगनवाड़ी वर्कर हो, आशा वर्कर हो, कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले कर्मचारी हो, आप देखेंगे पिछले एक साल में हर वर्ग के लोग पटना गए हैं। और सरकार ने एक फिक्स पैरामीटर बना, एक नियम बना लिया है, इनको डाक बंगला चौराहा, बेली रोड, हड़ताली चौराहे पर घेरो और इनको लाठी से मारो। मुख्यमंत्री या उनके मंत्रियों पर कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए, अब जो लाठी खाना है खा लीजिए। और ये कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि नीतीश कुमार के दिमाग में ऐसा बैठ गया है कि हम काम करें चाहे न करें, जनता में चाहे कितना भी रोष हो, कोई ना कोई जुगाड़ लगाकर मुख्यमंत्री तो हम ही को रहना है। तो हम चाहे लाठी चार्ज कराएं या लोकतंत्र में आप किसी पर ऐसे लाठी चार्ज कराइएगा तो आपको डर होगा कि आप चुनाव हारिएगा। नीतीश कुमार और ज्यादातर बिहार के नेताओं में वो डर खत्म हो गया। लोगों को मालूम है कि जो आदमी लाठी खाकर आया है डाक बंगला चौराहा से, वही आदमी कल जात के नाम पर फिर उसी दल को वोट करेगा जिसने की लाठी से उसको मारा है, इसीलिए लाठी चार्ज हो रहा है और ये दुखद है। तो सुना आपने किस प्रकार से प्रशांत किशोर ने पटना में आज अतिथि शिक्षकों के ऊपर हुए लाठी चार्ज को लेकर हमला बोला। हमला बोलते हुए नीतीश सरकार को जमकर लथाया। ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़ेगा दैनिक न्यूज के साथ। धन्यवाद।